नमस्कार, मैं एक बार फिर हाजिर हूं मेकिंग अप महाभारत की अगली कड़ी लेकर। मैं आज बात करूंगा गाजीपुर के गंगौली में गंगा की धारा से खेलने वाले गंगा पुत्र की। जी हां, डॉक्टर राही मासूम रजा की। डॉक्टर राही अपनी वसीयत में भी कहते हैं कि गंगा मेरी दूसरी माँ है, और अपनी आखिरी इच्छा जताते हैं कि जब वह इस जहां से रुखसत हों तो उन्हें गंगा में ही दहा दिया जाए। आज मेरे जहन में डॉक्टर साहब की ढेर सारी बातें बताने को हैं, लेकिन मैं बात करूंगा महाभारत के बनने की। जब राही मासूम रजा बीआर चोपड़ा के सामने मैं समय हूं कहकर शुरुआत करते हैं, समय को कहानी का नरेटर बताते हैं, तो चोपड़ा साहब वहीं मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, महाभारत की पटकथा और संवाद अब डॉक्टर राही ही लिखेंगे। डॉक्टर राही एक दो एक दिन आए तो पहला सेंटेंस उन्होंने बोला, जब कि मैं समय हूँ। तो उस वक्त ही हम लोग सब इतने मुतासर हुए उसे, हमने कहा कि, और उन्होंने जब पढ़ा तो इतना खूबसूरत लिखा हुआ था कि अपनी सारी जितनी। डॉक्टर राही मासूम रजा समय को सूत्रधार कैसे बताते हैं, समय को सूत्रधार बनाते कैसे हैं, वो कंसेप्ट कहां से आया, यह कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। आप देखिए उनके फेमस उपन्यास आधा गांव में पेज नंबर 11 पे वो लिखते हैं कि यह उपन्यास मेरा एक सफर है। ये न धार्मिक है न राजनैतिक, क्योंकि समय न धार्मिक होता है न राजनैतिक। यह कहानी समय की है, उनके गांव गंगौली में गुजरने वाले समय की। ठीक उसी तरह समय को महाभारत की कहानियों पर लेकर आते हैं और सारी कहानियां समय के माध्यम से ही बताते हैं। इस तरह मेरे आकार का जन्म हुआ, मैं समय महाभारत का पात्र बना। और ये कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है, इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। सच में समय सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ कहता है। महाभारत का स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखे जाने की कहानी भी बहुत रोचक है। कैसे एक मुसलमान को डायलॉग लिखने को मिला, कैसे डॉक्टर राही मासूम रजा ने पहले ना कह दिया और फिर उनके दिल पर ऐसी क्या ठेस लगी कि उन्होंने इसे लिखने की ठान ली। हुआ कुछ यूं कि समय की कमी के चलते पहले राही मासूम रजा ने बीआर चोपड़ा को मना कर दिया। तब ये बिल्कुल तय नहीं था कि मैं वो सीरियल लिखूंगा, लेकिन बीआर चोपड़ा ने महाभारत बनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें संवाद और पटकथा लेखन के लिए डॉक्टर राही मासूम रजा का नाम लिया था। यह बात हिंदू धर्म के उग्र पैरोकारों को नागवार गुजरी और उन्होंने इस बाबत चोपड़ा साहब को शिकायती खत भी लिखे कि क्या देश के सारे हिंदू लेखक नहीं रहे जो एक मुसलमान महाभारत की कथा लिखे, गीता के उपदेश के लिए एक मुसलमान डायलॉग लिखे। एक मुसलमान को एक हिंदू स्टोरी लिखना, जो हिंदू हमको, हम तो नहीं मानते इसको हिंदी, अगर है तो लोग मानते तो है, कांट हेल्प इट। तो उसके लिए उसको देना एक बड़ी डिफिकल्ट बात थी, सोचना भी मुश्किल था, और उस वक्त कोई डॉक्टर राही के बारे में सोचना भी कोई मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं था। बीआर चोपड़ा ने उन खतों को जब राही मासूम रजा को दिखाया तो उन्होंने कहा कि अब तो महाभारत की कथा मैं ही लिखूंगा, अब तो महाभारत की पटकथा मैं ही लिखूंगा, मुझसे ज्यादा भारत को कौन समझता है, मुझसे ज्यादा हिंदुस्तान की संस्कृति को कौन जानता है। मैंने उसको लिखना इसलिए कबूल किया कि मैं जानता था कि मैं इसको कंटेम्पररी बना सकता हूं और इसको हिंदुस्तान के गुजरे हुए कल को हिंदुस्तान के आज से जोड़ सकता हूं। इस संबंध में डॉक्टर राही ने साल 1990 में इंडिया टुडे को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ, मैं हैरान था कि एक मुसलमान द्वारा पटकथा लेखन को लेकर इतना हंगामा क्यों किया जा रहा है, क्या मैं एक भारतीय नहीं हूं। खैर ये तो बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राही खुद को गंगा पुत्र मानते हैं, वो गंगा में तैरते नहाते धोते उनकी धाराओं से खेलते आए थे बचपन से ही, और आप देखेंगे कि ये बात महाभारत में उन्होंने बखूबी डाला है। महाभारत के भीष्म पितामह को गंगा पुत्र के रूप में विशेष रूप से स्थापित करते हैं। अब राजा वीर गंगा पुत्र भीष्म पधार रहे हैं। आप जानते होंगे कि माँ गंगा ने अपने बेटे का नाम महाभारत में देवव्रत रखा था। आज्ञा दीजिए आर्यपुत्र। परंतु
मेरे पुत्र को तो मुझे देती जाओ प्रिय। अभी इसका समय नहीं आया है, मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूं, समय आने पर इसे लौटा दूंगी। मैंने इसका नाम देवव्रत रखा है आर्यपुत्र। तुम्हारा नाम क्या है पुत्र? मां ने मेरा नाम देवव्रत रखा है। लेकिन डॉक्टर साहब अपनी लेखनी में भीष्म के लिए अक्सर गंगा पुत्र का इस्तेमाल करते हैं। पता है, जब मैंने राजमाता सत्यवती से कहा कि गंगा पुत्र भीष्म के आने से पहले ही मैं शाल नरेश को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी, तो गंगा पुत्र कहां पुठे, और मैं उसी वक्त समझ गई कि अब हमारे मिलन को कोई। मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म के लिए बेस्ट डायलॉग का फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके डॉक्टर राही महाभारत की 5000 साल पुरानी कहानी को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा लिखा कि आज भी दर्शक महाभारत से अपना जुड़ाव महसूस करता है। तात श्री पिता श्री जैसे शब्द और कई संवाद उस समय लोगों की जुबान पर चढ़ गए, और डॉक्टर साहब के सामने चुनौती भी यही थी कि हजारों साल पुराने संस्कृत में लिखे धर्म ग्रंथ को सरल और सुबोध बनाकर आज से कैसे जोड़ा जाए। जो ओरिजिनल महाभारत है उसका तो नरेटर एक ऋषि है, और उसके पीछे जाइए तो श्री गणेश है। 4000 बरस ये जो पुरानी कहानी है इसको हम कंटेम्पोररी नहीं बना पाते। आज से अगर उसका नाता नहीं जोड़ पाते तो इसके बनाने से कोई फायदा नहीं रहता, यही चैलेंज था। महाभारत की लोकप्रियता में अनेक लोगों की मेहनत शामिल थी, और इन्हीं मेहनत कश लोगों में से एक गंगा जमुनी तहजीब के सबसे बड़े पैरोकार डॉक्टर राही मासूम रजा ने अपनी कलम की धार देकर महाभारत सीरियल को अमर बना दिया और खुद भी अमर हो गए। उनकी यादें हमारे जहन में हमेशा रहेंगी। डॉक्टर राही मासूम रजा ने साहित्य के क्षेत्र में तो ढेरों काम किए हैं, मसलन नीम का पेड़, टोपी शुक्ला, उसकी बूंद और आधा गांव जैसे कालजयी उपन्यास, और अनेक कविताओं गीत गजल के साथ लगभग 300 फिल्मों की पटकथा लिखी। ऐसे महान शख्स को हम नमन करते हैं। मैं खुद गर्व करता हूं कि मैं गाजीपुर से हूं, डॉक्टर साहब की गांव की मिट्टी से जुड़ा हूं। डॉक्टर राही मासूम रजा पर और बातें फिर कभी। आप देखते रहिए TDC News पर मेकिंग ऑफ महाभारत।